नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, कर्नाटक दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध राज्यों में से एक माना जाता है। कर्नाटक पूरे इंडिया में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। दक्षिण भारत को विशेष रूप से उनके मंदिरों के लिए जाना जाता है। कर्नाटक में भी कई खूबसूरत मंदिर है जो सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए नहीं बल्कि यहाँ आने वाले हर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन मंदिरों में जाकर न केवल आपको आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है बल्कि इनका अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। इन मंदिरों का आर्किटेक्चर बेहद ही अनोखा है। अगर आप कर्नाटक घूमने जा रहे हो तो ऐसे में आपको अन्य आकर्षणों के साथ साथ इन मंदिरों को भी विजिट करने का मौका मिल सकता है। ऐसे में आज हम आपको कर्नाटक के 5 प्राचीन मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ दोस्तों, हमारी यह वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए चलते हैं कर्नाटक के इन मंदिरों के सफर में। नंबर 5, श्री कृष्ण मंदिर। दोस्तों, श्री कृष्ण मंदिर कर्नाटक के प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। श्री कृष्ण मंदिर कर्नाटक के उडुपी शहर में कन्हैया का एक बेहद ही विलक्षणीय मंदिर है। 13वीं सदी में वैष्णव संत श्री माधवाचार्य ने इस मंदिर की स्थापना की थी। मान्यता है कि प्राचीन काल में कृष्ण के भक्त कनकदास को यह कन्हैया के दर्शन करने पर रोका गया था। ऐसे में कृष्ण कृपा से कनकदास ने मंदिर में स्थित एक छोटी खिड़की से कान्हा के दर्शन किए थे। तभी से यहां परंपरा बन गई है कि मूर्ति को सीधे ना देखते हुए खिड़की से कन्हैया के दर्शन किए जाते हैं। नंबर 4, विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर कर्नाटक के प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। दोस्तों, हम्पी का विट्ठल मंदिर 16वीं शताब्दी की अद्भुत संरचना है। मंदिर के अलंकृत स्तंभों, बारीक नकाशियों और रंग के मंडप के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में 56 संगीतमय स्तंभ है। कहते हैं कि इन पिलर्स में थपथपाने पर संगीत निकलता है। विट्ठल मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। नंबर 3, विद्याशंकर मंदिर। विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक के प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। विद्याशंकर मंदिर श्रृंगेरी में स्थित है। विद्याशंकर मंदिर शंकराचार्य को श्रद्धांजलि है जिन्होंने हिंदू दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 13वीं शताब्दी में बनाए गए इस मंदिर को प्राचीन दक्षिण भारत की वास्तुकला का एक असाधारण उदाहरण है। मंदिर की दीवारों पर पत्थर की नकाशी विभिन्न पौराणिक कहानियों को दर्शाती है। नंबर 2, मुरुदेश्वर मंदिर। दोस्तों, मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक के प्राचीन मंदिर होने के साथ साथ प्रमुख मंदिरों में भी शामिल है। इसी के साथ मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक का सबसे प्रसिद्ध मंदिर भी माना जाता है। यह मंदिर भटकल के कुड़ुका पहाड़ी पर स्थित है जहां महादेव की विशाल मूर्ति स्थापित है। कहते हैं कि भगवान शंकर की इस बड़ी प्रतिमा को बनाने के लिए तकरीबन 2 साल का समय लगा था। नंबर 1, बादामी गुफा मंदिर। दोस्तों, बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक के सबसे प्राचीन मंदिरों में एक है। बादामी शहर में बादामी गुफा मंदिर बादामी गुफा की 6वीं शताब्दी के लोक कथाओं वाली भारतीय रॉक कट संरचनाओं में से एक है। इस मंदिर में 4 गुफाएं शामिल है जो पुलिकेशिने के शासन के दौरान बनाए गए थे लेकिन इसका अधिकांश विस्तार चोलाओं के दौरान हुआ था। ये मंदिर चोलाओं की शैली की डिजाइन को दर्शाते हैं जो उत्तर और दक्षिण भारतीय तरीकों का एक उदाहरण है। इस पहाड़ी इलाके में कुल 4 गुफाएं हैं जो बलुआ पत्थरों से बनाए गए हैं। बादामी गुफा मंदिर सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। तो दोस्तों, ये थी कर्नाटक के 5 प्राचीन मंदिरों की इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आपको कर्नाटक के अलावा किसी अन्य राज्य के मंदिरों के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।